हेलो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग की अतरंगी दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आपने पाम ऑयल के बारे में जरूर सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचने का ट्राई किया है कि आखिर ये बनता कैसे? वेल दोस्तों, हमेशा की तरह ये वीडियो काफी नॉलेज से भरी हुई है। आज हम आपको इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरह फैक्ट्रियों में पाम ऑयल को बनाया जाता है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पाम ऑयल की प्रोडक्शन का काम शुरू होता है पाम के पेड़ों से। ये पेड़ कुछ इस तरह के होते हैं। इतने लंबे पेड़ों से पाम के फलों को निकालने का काम एक बड़ी स्टिक की मदद से किया जाता है। इसके बाद इन्हें ट्रैक्टर्स के द्वारा भर लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं, जहां पर कई बार पेड़ों से पाम के फलों को निकालने के लिए सोवेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और कई बार एक्सकेविटर मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जमीन पर पड़े इन पाम के फलों को उठाकर ट्रकों में भर देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाम का पेड़ लगभग 16 से 20 किलोग्राम तक के पाम के फलों को हर साल प्रोड्यूस कर सकता है। इन पाम के पेड़ से तकरीबन 30 साल तक पाम ऑयल को निकाल सकते हैं। अब जिन जगहों पर पाम के फलों की हार्वेस्टिंग नहीं की जा सकती है, तो इन जगहों पर पाम ऑयल के प्रोसेस के लिए कुछ इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इस पूरी हार्वेस्टिंग का प्रोसेस दुगनी रफ्तार से हो जाता है। इसके बाद इन फलों को ट्रकों में भरकर फैक्ट्रियों के लिए रवाना कर दिया जाता है। जहां पर पाम की फैक्ट्री मौजूद होती है, वहां पर इन पाम के फलों को कुछ इस तरह से इकट्ठा किया जाता है। अब यहां पर फ्रंट लोडर का इस्तेमाल करके इन सभी पाम के फलों को इकट्ठा करके फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सामने कन्वेयर बेल्ट की तरह बनी हुई एक मशीन है, जिसके ऊपर बॉक्स की तरह एक ढांचा लगाया हुआ है। इन ढांचों के अंदर पाम के फलों को डालकर फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। दोस्तों, इन्हें कन्वेयर बॉक्सेस भी कहा जाता है। इसके बाद ये धीरे धीरे करके फैक्ट्री के अंदर एंट्री कर जाते हैं। इसके बाद इन्हें स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है, जिसके लिए पाम के फलों को स्टरलाइजेशन चैम्बर में डाला जाता है। इस चैम्बर में पाम के फलों को हाई स्टीम की मदद से स्टरलाइज किया जाता है। इस चैम्बर के अंदर का टेम्परेचर 140 डिग्री से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस प्रोसेस को करने से फल में मौजूद सभी बैक्टीरिया और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद इन पाम के फलों को रिफ्लेक्शन प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसके बाद इन फलों को एक्सट्रैक्टर प्लांट में भेजा जाता है, जिसके लिए यहाँ पर मौजूद कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर उबले हुए पाम के फलों को एक्सट्रैक्टिंग प्लांट के अंदर ले जाया जा रहा होता है। यहाँ पर इन फलों को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर बेहतर क्वालिटी का पाम ऑयल प्रोड्यूस हो पाता है। आपको जैसा कि हमने पहले बताया है कि उबले हुए पाम के फल इस यूनिट तक पहुंच चुके हैं। यहां पर इन फलों को एक्सट्रूडर के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पर ये तेजी से घूमता रहता है और फिर धीरे धीरे करके इन फलों में मौजूद खाली ब्रांचेस को निकाल दिया जाता है। जैसा कि आप सामने देख ही सकते हैं, ये कितनी तेजी से घूमता है। इसके बाद एक एक करके पाम के फल बाहर आते जाते रहते हैं। इसके बाद डायरेक्ट डाइजेस्टर मशीन के अंदर इन्हें भेज दिया जाता है, जहां पर इन फलों को डाइजेस्ट करवाने लायक बनाने के लिए हीट का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यह मशीन पाम के फलों का कचुम्बर बना रही है। फिर थोड़ी ही देर के बाद जब इन्हें मशीन से बाहर निकाला जाता है, तो इनका पूरा हुलिया बदल कर कुछ इस तरह सा हो जाता है। इसके बाद इन्हें प्रेस मशीन की तरफ भेजा जाता है। ये इस पूरी प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज यहीं से पाम के फलों से ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले पाम ऑयल से फाइबर को अलग किया जाता है, जो कि कुछ इस तरह से बाहर निकाला जाता है,
और दूसरी तरफ इन फलों से पाम ऑयल को निकाला जा रहा होता है। अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये मशीन अपने अंदर से इन फलों को प्रेस करके फलों में से तेल निकाल रही है। तेल निकालने के बाद इन्हें रिसेप्शन टैंक में इस तरह से डाल दिया जाता है, जहां पर इस तेल को डाइल्यूटेड ऑयल में बदला जाता है, जिसके बाद इन्हें कोल्ड स्टोरेज में लाकर रखा जाता है, जिसके बाद कुछ ही समय में ये ऑयल लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में बदल जाते हैं। इसके बाद इन्हें क्लेरिफाइड मशीन की तरफ ले जाया जाता है। इस मशीन के अंदर एक एक करके इन पाम ऑयल्स के ब्लॉक्स को डाला जाता है, फिर ये मशीन इन्हें पाम ऑयल में कन्वर्ट कर देती है और अपने अंदर लगे हुए प्योरीफायर की मदद से बाहर निकाल देती है। अब यहाँ से इस प्रोसेस के बाद अंत में जाकर इस पाम ऑयल को डिब्बों में भरकर पैक कर दिया जाता है। दूसरी तरफ पाम के फलों से जो बचा हुआ मटेरियल रह जाता है, उसे यहाँ पे मौजूद सुलेज टैंक की तरफ भेज दिया जाता है। फिर यहीं से इन्हें डिकेंडर में भेजा जाता है। इससे इनका डिकेंडर सुलेज तैयार हो जाता है। इसके बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्रियों में पाम ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है। कैसी लगी आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है आपको इस इंफॉर्मेशन में मजा आया होगा। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्री इनसाइडर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।